Welcome to my class in Standard 3rd English 2. Okay. So last video में हमने chapter number 9 complete किया था. उसके बाद हमने एक essay भी दिया, है ना? अब हम chapter number 10 जो है वो start करेंगे. Chapter number 10 is the conjunctions part 1. Okay. तो conjunctions क्या होते हैं? तो conjunction है वो part of the speech ही है. Okay. तो conjunctions है वो a word, एक word को दूसरे word से या तो फिर एक sentence को दूसरे sentence से एक साथ join करने के लिए use होने वाले words है. Okay. जैसे कि आप कहते ही होगे, conjunction है वो आप यूज करते ही होगे, है ना? जैसे कि आप बोलो कि मैं और मेरे फ्रेंड गार्डन में खेल रहे हैं, तो आपने क्या कहा? मैं और मेरे फ्रेंड्स. तो ये दो जो वर्ड्स है उसको आपने एंड से जॉइन किया, है ना? आई एंड माय फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन. तो यहाँ पे हमने एंड जो यूज किया, आई और माय फ्रेंड को जॉइन किया एंड से. एंड है वो क्या हो गया? दोनों को जॉइन किया, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे. ओके. तो जो भी वर्ड दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को एक साथ जॉइन करने के लिए यूज होते हो, ऐसे वर्ड्स को हम कंजक्शंस बोलेंगे. ओके. तो सबसे पहले कंजक्शन का मीनिंग लिखेंगे. तो अ वर्ड विच इज यूज टू
The main was seen, but the woman was fed. Main was seen.
So you will see that words, ये जो सभी words हैं and, but, or, because, are used to join words या तो फिर sentences together, है ना? Sentences को words को एक साथ join करने के लिए use हुए हैं. So these words are called conjunctions. ये सभी words को हम क्या बोलेंगे? Conjunctions बोलेंगे. Conjunctions में word Bye.
young or old? Question mark. ठीक, यहाँ पे हमने conjunction कौन सा use किया? Or old. यहाँ पे conjunction use किया but. तो इस तरह से दो sentences को एक साथ हम conjunctions की help से join कर सकते हैं. तो ये लिख लो अपनी book में. Let's do the exercise. Exercise number one. Pick out the conjunctions in the following sentences. Conjunctions आपको pick out करने हैं और जो स्पेस दिया गया है वहां पे आपको लिखने हैं. Thank you.
अगर